मैं चाहता हूं आप अंपायर महोदय मैं कब आ रहा लग जाइए महावीर गुप्ता जी के पास है और ये एजेंसी इस ग्राउंड से एक मिनट के अंदर अगर गेंद नहीं फेंकी जाएगी तो अध्यक्ष महोदय के आदेश से रन काट लिया जाएगा। तो तुरंत खेल का शुरू करें दोनों ही सलामी बल्लेबाज नित्या और नॉन स्ट्राइकर होता सचिन होता बिक्की बिक्की और नित्या की जोड़ी समय नित्या के लिए किनारा आएगा पहली गेंद पे छक्का लगाते हैं महावीर इंटरप्राइजेज और पेप्सी एजेंसी की तरफ से लाखों कारोबार भारत परानी जिसके प्रोप्राइटर है महावीर गुप्ता जी उनके तरफ से पहली गेंद पे अगर छक्का लगता है तो 101 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक छक्के पे इनाम है मोहम्मद आसू की तरफ से और एक और इनाम है हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए का नगद इनाम हजारी भाई की तरफ से। ये जो नियम तीन तीन ओवर के दो स्कोर होंगे और दो स्कोर दो ओवर के होंगे गेंद किसी भी तार या खंभे से टकराएगी तो गेंद बेताल हो जाएगी। फिलहाल हमारे बीच इस मैच के मुख्य अतिथि के तौर पर आए इस गेंद के बाद बताएंगे अजय है संभवतः गेंदबाज ये गेंद इसका केला रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर बिक्की लेकिन मना किया बेहतरीन गेंदबाज संभवतः पहली गेंद को जो इनाम था महावीर गुप्ता का बचता हो रहा है गुप्ता भी समझे कि हमारे इनाम नित्या नहीं लगा पाए। नित्या का 59 गेंदों में 147 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और इस चमचमाते हुए ट्रॉफी पर अपने कब्जा जमाने के लिए। फिलहाल अजय फिर से तैयार होगा इस पूरे टूर्नामेंट का जो लाइव प्रसारण चलाया जा रहा है दिलशान क्रिकेटर शरीफपुर जिसके डायरेक्टर महोदय हैं दिलशान भाई। फिलहाल अजय फिर से तैयार हो रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज नित्या के लिए ये गेंद संभवतः कटकी हुई गेंद थी इसको खेला है गेंद संभवतः नो बॉल का इशारा है अंपायर का और किस चीज का नो बॉल आया है ये अंपायर महोदय से जो डिस्कशन ना करें पटकी हुई गेंद थी संभवतः खिलाड़ियों से कोई डिस्कशन ना करें और दर्शक जो ग्राउंड पे आ रहे हैं आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ग्राउंड पे नहीं आएंगे। फिलहाल नहीं अरे वो बलवानी वाला भी किए भाई ये जो दर्शक ग्राउंड के अंदर से जा रहे हैं आप लोग कहीं के नेता या कोई मंत्री नहीं है कि ग्राउंड के अंदर से जाएंगे आप लोग साइड से जाइए जो भी विवाद हुआ है उसको उसको सही कीजिए। कोई विवाद कर लेते हैं कोई झगड़ा कर लेते हैं तो ये निंदनीय होता है ये हमारे कमेटी का बदनामी नहीं है ये श्री जेठावीर बाबा का बदनामी है। आज तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ था नो बॉल का इशारा है अंपायर दिलीप सहानी का। फिलहाल दर्शक जो ग्राउंड पे है आप लोगों से गुजारिश है कि कोई दर्शक ग्राउंड पे नहीं आएगा अंपायर से कोई डिस्कशन नहीं होगा। प्रदीप चौरसिया जी आप कुछ विचार विमर्श करें कि किस चीज का ये नो बॉल था इसके बाद से इसको दिया जाएगा थर्ड अंपायर जा रहे हैं थर्ड अंपायर की भूमिका का जेपी यादव रितेश यादव जी आप भी जाएंगे ग्राउंड पर और समझाएंगे हमारे मुख्य अंपायर प्रदीप चौरसिया और दिलीप सहानी को।
सारे लोग कमेटी मेंबर जाएंगे। खिलाड़ियों से गुजारिश है, बाकी इलेवन बटन इलेवन के खिलाड़ियों से गुजारिश है, आप लोग भैया अंपायर से कोई डिस्कशन न करें, अंपायर का जो निर्णय है हमारे बीच आइडियल एकेडमी के डायरेक्टर महोदय हमारे बीच बैठे हुए हैं। दुर्गा के मरना से जल और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। जितने भी दर्शक अगर कमेटी के सदस्य गए हैं उन लोगों से निवेदन है कि वो चुपचाप अपने वापस आ जाए। जितने भी कमेटी के सदस्य धनराज जितने भी हैं वो कमेटी के अंदर आ गया, मारा मारी कर रहा हूं। जितने भी कमेटी के सदस्य उधर दौड़े लग रहे हैं वो वापस आ जाए। भाग कर आ गए ना, हम कहाँ रख लेने हैं निवेदन है की डिस्कस न करें। विनय यादव और प्रदीप यादव आप लोगों से गुजारिश है की खेल है खेल भावना से खेलें, अभी भी अंपायर का निर्णय आना बाकी, तो डेथ बॉल घोषित की गई है, नो बॉल नहीं है माफ कीजिएगा, और छक्का आया है उस गेंद पे, चार रन आया है, छह रन था तो संभवतः निश्चित तौर पर वन बाउंस की चेतावनी भी मिली होगी गेंदबाज अजय को, थोड़ी देर के लिए दुआ दुआ था। हाँ सैफ अंसारी इसको सही करते हुए फिलहाल नो बॉल नहीं थी, हर एक इस छक्के के साथ स्कोर संभवतः छह रन हुआ है। मुश्किल है क्योंकि अकेले नित्या इस मैच को नहीं जिता सकता है, साथ देना पड़ेगा खिलाड़ियों को इस मैच को जिताना है तो। नाइट का समय है, शानदार ये जो कमेटी के जितने भी मेंबर हैं आप जानते हैं कि वो रन मैच बना के देने का आपको प्रेस करना होगा, आप लोग बल्लेबाज होना चाहिए नीचे अच्छा, जो कोई भी विवाद हुआ है उसका कोई नुकसान ना हो दर्शकों को, फिलहाल इतने के ऊपर कोशिश करेंगे कि मैच को फिनिश करें तो मुश्किल हो जाएगा, चांस बनेगा नहीं है सोनू भगत जी, बिट्टू तिवारी नहीं है कैप्टन, सलेमपुर का कप्तान आज इनका जन्मदिन है, और आज बालवीर कुमार बहुत बहुत शुक्रिया आपका उनके लिए उनके जन्मदिन का बधाई और अच्छी के लिए मैच में फिर से बाहरी विवाद हुआ है आपस में, लड़कियों में
जुट्ठे गए लाइक तो खिंडो के ना जुट्ठे जाके मैं कुछ देर के लिए रुका हुआ ये दर्शकों के फील्ड में आ जाने के कारण ये मैच का व्यवधान पड़ गया है। अर्थात सभी दर्शकों का अनुरोध है कि आप लोग उचित स्थान लेकर के बाउंड्री लाइन के करीब में आप लोग खड़े हो या बैठ जाए, ये कोई भी व्यवधान नहीं करेगा। बाकी अंपायर महोदय आप अपने खेल को शुरू कराएं। प्रेम यादव जी, लफड़ा या झगड़ा हम नहीं दिखा पाएंगे कैमरे के द्वारा, इसके लिए माफी चाहेंगे। ये हमारे चैनल के हिसाब से रॉन्ग है, इसको हम नहीं दिखा पाएंगे। लफड़ा या झगड़ा नहीं दिखा सकते, चैनल के कुछ रूल और नियम है, उसको संभाले रखने के लिए मजबूरी है कि वो नहीं दिखा पाएंगे। ये सब कमेटी का कुछ आपस में विवाद हो गया है, उसी को लेके आपस में झगड़ा चल रहा है पीछे। उसकी बात छोड़िए, मैच शुरू कीजिए। देखिए कमेंट्री बंद हो चुकी है, तो स्कोर बोर्ड से मैच का मजा लीजिए। अविनाश यादव जी नहीं है भाई, शॉट यार नित्या ने क्या गजब का शॉट लगाया, ये तो बेहतरीन शॉट था, बहुत ही तगड़ा शॉट था नित्या के बल्ले से। उन्नीस रन हो चुका है, पांच गेंदें हुई हैं अभी, 55 गेंदों में 129 रन, पांच गेंद हुई है। ये टोटल स्कोर हुआ 19 रन। बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पे है, बॉलर तैयार है अपने बॉलिंग लाइनअप पे। नित्या के लिए धीरे धीरे हल्के कदमों से अंपायर के पास क्या लेंगे, शॉट है यूटी भाई, एंड शॉट नित्या के बल्ले से बैक टू बैक सिक्स का, लगभग 98 मीटर का छक्का था। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज ने जैसे ही कैच पड़ी बल्ले पे उसको उठा कर किसी के बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया, और इस प्रकार स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 25 रन एक ओवर की समाप्ति पे। नहीं है भाई, 10 दिन से लगातार मैच चला रहा हूँ, इतनी कमेंट्री तो नहीं कर पाएगा आदमी। तो नए गेंदबाज आ रहे हैं विशाल सिंह, उनके द्वारा एक्स्ट्रा बहुत फेंका जा रहा है, यानी कि बाउंस से बहुत करिए तो क्या 2-4 नो बॉल इस मैच में भी मिलेंगी, देखना होगा। पिछले मैच में तो बल्लेबाजों ने नो बॉल का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि कम से कम 12 नो बॉल या 10 नो बॉल मिली होंगी पूरे मैच में। विशाल सिंह पहले मैच में 12 रन खर्च किए थे 3 विकेट लेकर, एक्स्ट्रा के बाद भी इनको नहीं कोई मार पाया था, मात्र 12 रन खर्च किए थे। सुपर बैटिंग नित्या के, जी हाँ सुरेश सिंह जी बहुत इरफान अख्तर जी, जी नहीं, वहाँ के मैच का एक ही दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, क्वार्टर मैच को चलाना था। मैच का लुत्फ उठाने के लिए ये लंबे रन के साथ अंपायर के पास किया, ये गए काफी अच्छी खेल थी, उसको उठा करके मारना चाहते थे लेकिन अंपायर का इतना लो था, तो रिस्की रन लेना नित्या के लिए अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ। ये काफी इसी चीजों से बचना होगा बल्लेबाज को, एक गेंदबाजों को, यही सब इजाफा आगे चल करके हानिकारक हो सकता है। एक रन बढ़ोतरी हुई, कोई नुकसान नहीं, मैं जैसा कह रहा था कि एक्स्ट्रा ले एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, और एक्स्ट्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहली ही गेम नो बॉल, यहाँ पे बिना किसी गेंद के बाहर को, यानी कि एक ओवर में 25 रन बना चुके हैं, जीत के लिए तो स्ट्राइक रन रेट चाहिए, खेलना पड़ेगा गेंदबाजों को, काफी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड रन रेट 13 का है और करंट रन रेट 27 का चल रहा है इस मैच में,
बिना उसके कौन जाएगा, हमें फोर व्हीलर से जाना होता है, हमारे यहाँ 100 किलोमीटर दूर है भाई। देखते हैं बल्लेबाज इसका कितना भरपूर फायदा उठाते हैं, मन में कसक तो होगा है कि इसकी हिट का भरपूर फायदा उठाया जाए, और बल्लेबाज भी सोच रहे होंगे कि इस तरह इस गेंद को हिट कराया जाए बल्लेबाज को, लेकिन और ये बल्लेबाज दो छक्के लगा करके हैट्रिक के चांस में है, देखते हैं उसका भी फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। नित्या ये कमेंट्री बॉक्स की तरफ से आपको बार बार आगाह किया जा रहा है कि आप हैट्रिक पे हैं, देखिए उसका आपको फायदा कितना मिलता है, और अगर हैट्रिक मारते हैं आपको कमेंट्री में 101 रुपए का इनाम रखा गया है, 415 ये ये जो भी दर्शक दीर्घा में लोग खड़े हैं, देखिए चारों दिशाओं में कुछ लोग अच्छे से मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन मुरारी सिंह जी अब क्या हम कह सकते हैं, ये लंबे रन के साथ स्वागत है गेंद के 3 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। उस तरह से लगता है कुछ ऐसी ही गेंद पगड़ी वाले मैच में भी फेंकी गई थी, बाहर की तरफ फेंकी गई थी, क्रॉस द लाइन मारता, जब आप कवर से मार सकते हैं तो क्रॉस द लाइन मारने की जरूरत नहीं है। बेल बोले भाई, ये देखिए आप सभी दर्शक दीर्घा नहीं है, सभी लोग ये ध्यान दें लंबे रन के साथ हम पैर को पिछला क्रॉस के लिए कैच का चांस और बीच में गिर गए, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां देखने को मिली, सोचने खड़ा थे आज तो एक रन इसको तोड़ने में जाफा होता हुआ पीपी किंग सिंगपुर कश्मीर से इस मैच को देख रहा है। कश्मीरी भाषा में अगर आप कहें तो क्या कहेंगे इस मैच को देखने के लिए डीपी किंग जी, देख कर बताइए। मैं रोमांचक स्थिति में पहुंचा हुआ, ये फील्ड में तब्दीली की गई है कप्तान के द्वारा, देखते हैं इस फील्ड में तब्दीली का क्या नाम मिलता है इस मैच को, और सामने बल्लेबाज है विक्की मैंने पहले ही कह दिया कि जैसा स्टाइल था उस स्टाइल में शेप को डाले और बल्लेबाज को स्ट्रेटजी नहीं समझ पाया, डीपी किंग जी ये मैच हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर से सटा जिला, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से सटा जिला देवरिया में, ये जोड़ी बहुत मायने रखेगी इस पूरे मैच में, इतना तैयार नहीं है। ठीक है मनोज भैया हो जाएगा, ये जोड़ी पूरे मैच में बहुत ही मायने रखेगी, अगर ये जोड़ी कुछ समय तक खेल गई मैच का रोमांच जरूर होगा। कश्मीर को तो भाई हिंदुस्तान का क्या दुनिया का जन्नत कहा जाता है, दुनिया की नजरें कश्मीर पे पड़ी रहती हैं, कश्मीर वो जगह है
अच्छी नहीं, ये काफी नीचे जाती है, समझ नहीं पाए बल्लेबाज ने पूरी दुनिया को, जिसकी आज पूरी दुनिया दीवानी है क्रिकेट की, इसको खेलने के लिए बल्ला दिया। कश्मीर हो जगह है, कश्मीर को ये भाई साहब, ये आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक लड़के में आ जाइए, अगर कोई आप साफ से है तो बता दीजिए। खेल बोले लड़के दम से, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा खेल को रोक दिया जाए, एक मिनट, एक मिनट। बाहुबली नहीं है भाई, तो अभी भी विवाद चल रहा है मैच के अंदर, विवाद कोई भी नहीं, व्यवधान आपको बनाया जा रहा है, मतलब एक मिनट का ब्रेक था, आप स्टार्ट कराइए, आप स्टार्ट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैमरा करने कृपा करें। क्या यार, का कुछ भी, मतलब माइक पकड़ लेगा तो कुछ उनकी कॉलेज सुना ना, क्रिकेट देखा ये पाकिस्तान ये कमेटी के सदस्य, ये भैया हाथ जो है ये आप कैमरा कराइए, यहाँ पे आप मोबाइल से ये कार्य, अभी खेल शुरू हो रहा है, कोई व्यवधान नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, खेल शुरू हो रहा है, दो ओवर समाप्त हुआ है, एक विकेट का नुकसान। अमीन जी आपके तो नाम से हम पहचान रहे हैं, कुंदन राठौर बिहार है कि नहीं, बिहार से खेल रहा है भैया, 26 तारीख से बिहार मैच मुसहरी प्रीमियर लीग का मैच 26 तारीख से दिखाया जाएगा लाइव। ये गेंद तो वाइट थी, अब नित्या में जो है बेचैनी चढ़ने लगी है, अब जल्दबाजी कर रहे हैं नित्या। ये बहुत तेज देख रहा है, ये आकर्षक मोड़ से बताता है कि ये जो बल्लेबाजी कर रहा है आज ऐसा बल्लेबाजी है, और ये कप्तान है टीम के, तो इसी उम्मीद के साथ ये अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे बल्लेबाज, और अच्छी है पप्पा वहाँ के बाद अंदर की तरफ आ रहे हैं, काफी डॉट गेंदे होते हैं तो इनके अंदर जो है धैर्य खत्म हो जाता है, बल्लेबाज को धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी बल्लेबाजी कही जाती है, ये चीज समझना चाहिए ना कि सबको आप ओवर कॉन्फिडेंस में खेल जाएंगे, सामने बल्लेबाज खड़ा है, धीरे से सिंगल खिलाइए और आने दीजिए स्ट्राइक पर राइट हैंड बल्लेबाज को, आप ऐसा नहीं है कि रन करके नहीं देगा, अपने ऊपर सब लेके खेलेंगे तो नहीं वाजिद अंसारी को कोई कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा है, सब कमेंट देख रहा है, कमेंट आएगा तो चौवालीस गेंद 155 ये लेकिन हम लोग मतलब यही निकाल सकते हैं कि कोई भी बात नहीं है, सब कुछ सकुशल है, और ये बात भी देखिए जबरदस्त रन आउट और पूरे मैच का रुख ही बदल दिया, यही
यही कह रहा था कि जल्दबाज ही ब्लॉक कर जाते हैं नित्य, हाथ में से कई बार भागे। तो ऐसे ही अगर कप्तान ऐसी सूझबूझ के साथ फील्डिंग करेंगे और अपने टीम मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे तो शायद ही उनकी टीम बुलंदियों को हासिल करेगी, जीत हासिल करेगी। इसी उम्मीद के साथ अभी मंत्रणा होती हुई टीम के साथ देखिए आगे की रणनीति क्या होती है। आगे बैट्समैन पवन ये देखिए मेडन ओवर फेंका है इस वक्त शेखर ने और विकेट भी रनआउट के रूप में, इस दबाव को झेल नहीं पाए नित्य और रनआउट होकर वापस चले गए। तो अब आए हैं पवन और गेंदबाजी करेंगे विशाल सिंह, बहुत तेज गेंदबाजी करा रहे हैं विशाल सिंह। अविनाश कुमार जी बाउंड्री के बहुत बाहर खड़ा हूँ मैं, आप सोच रहे कैमरे के सामने दिखाए यहाँ से बहुत दूर हूँ, उनको भी बता बोल पाना मुश्किल है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद तीन एक और तीन लगा दीजिए 35 और टोटल अंदर मेरी भी बहुत तेज आ रही होगी, बहुत धीरे बोल रहे हैं। ये जो टीम इनको लगभग 130 मैचों का अनुभव है, 38 मैचों में भी ये इसने काम कर चुके हैं पराग होते, ये काफी सफलता के साथ खड़े हैं। ये देखिए इनको काफी अनुभव है इस मैच का, लड़ाई का बहुत अच्छे ये लंबे रन के साथ लंबे गेंद पर ये लेकिन जब तक ये फील हो पाती तब तक एक रन सुधार के अनुभव बल्लेबाजों में लेकिन लास्ट में देखिए काफी अच्छा लंबे कट के गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किए, ये देखने लायक कमेंट्री बॉक्स के बाहर, ये कोई भी नहीं रोक पाएगा इस गेंद पे और अंपायर का सीधा हाथ भाव में उठता हुआ छह रन के लिए काफी सराहनीय बल्लेबाजी बल्लेबाज के द्वारा। जैसे ही देखा कि गेंद नीचे पड़ रही है उस गेंद को सीधे उठाकर के लंबा बाउंड्री के बाहर पा दिया।
और टोटल स्कोर 48 रन। दो विकेट के नुकसान पे शेखर यादव मेडन ओवर है। पीछे हो जाओ, पीछे 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 हो। एक ओवर एक मेडन और रन आउट के रूप में वही रहा वही रहा। अच्छी गेंदबाजी थी शेखर पुनः अपने कोटे के साथ दूसरा ओवर लेकर के गेंद बोले लड़के दम से हल्के हल्के का दूसरा पार को क्रॉस किया। ये क्या तो ये देखिए आत्मक बैल उसका फायदा नहीं मिला। बल्लेबाज ने अपने दिशा को रोटेट किया किसान खेत को पहले रन के बाहर किया गया लेकिन निराशा हाथ लगी बल्लेबाज को और उसका फायदा भी प्राप्त मिल गया। बल्लेबाजी की गहराई तो बहुत है, मैं रन करना होगा जीत के लिए, मैच को जीतना है तो रन करना होगा। और ये बता दें हमारे स्कोर को बता रहे हैं 35 गेंद में 100 रन की जरूरत है जीतने के लिए मैच को। पानी इस ओवर के बाद पानी ठीक है ठीक है पानी लगे आपको आपका मैच किया गया है और इस मैच के प्रचार में देखिए अभिषेक आइसक्रीम और साई आइसक्रीम ये दोनों लोग पार्टिसिपेट किए हैं। इन लोगों को काफी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अभिषेक आइसक्रीम और साई आइसक्रीम और ये फालूदा जो कि राजस्थान से चल करके आप लोगों का काफला हैदराबाद अफजाई करने के लिए आए हैं। इसी बीच लंबे रन के साथ ये अच्छी है ये देखिए बता कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये काफी बड़ा लक्ष्य है। ये 100 रन की सरकार है और काफी कम गेंदे हैं इसका मतलब ये कहा जाए कि 50 से ऊपर प्रतिशत के आंकड़े में काशी के पास में पहला मौका ये लेकिन बड़ा पा चुके ये लगातार तीसरे गेंद का आक्रमण हुए हैं ऐसे की पारी करने से कोई फायदा नहीं हो पाया बल्लेबाज को। ये सचिन है, अगर आपका नाम सचिन है तो आपको सचिन के जैसा करामात करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम के लिए करामात करना पड़ेगा, अपनी टीम को इस संकट की घड़ी से उबारना पड़ेगा। देखिए अच्छे लंबे रन के साथ ये भी लेकिन पूरा आता है आता है कोई भी सहारा नहीं है क्योंकि जब अच्छा होता है तो अपने अधिक होते हैं और बल्लेबाजों से यही अनुराग है कोई भी होती नहीं और कोई भी पुस्तक नहीं प्राप्त करेगा। ये काफी अनुभव का मार है, ये इनको 125 मैचों का अनुभव है, ये काफी लड़ाई की भूमिका में अच्छे सलाम करते हैं, साथ साथ चुका चुका अनुभव है और तो भी उठा कर खेलने का प्रयास। ये देखना है साथ यहाँ से कुछ ओवर की समाप्ति और फाइनल ओवर यहाँ कुछ नुकसान तो नहीं है। दूसरा मेडल ओवर हो चुका है ओवर की समाप्ति। ये शेखर ये जो कि जसप्रीत बुमराह दो ओवर में दो मेडल जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं ये क्या लंच बनाया हुआ है पानी डाला हुआ है कमेटी की तरफ से कमेटी इनको पानी प्राप्त कराए खिलाड़ियों को। ये देख लीजिए भाई बल्लेबाज 30 गेंद में 100 रन बना सकता है। आप लोग किस प्रकार से सूर्य कुमार यादव की तरफ से खेल की तरफ खेलेंगे विराट कोहली की तरफ खेलेंगे आप लोग अपना निश्चय कर लीजिए, आप लोग अपना तय कर लीजिए कि किसकी तरफ से बल्लेबाजी करना है। आप लोगों को इसी पर मौका लेना पड़ेगा काफी 30 गेंद में 100 रन की आवश्यकता है तो आप उसी प्रकार से गेंदबाजी करें जिससे कि आपको फायदा हो और आपकी टीम जीत तो हासिल करे और बल्लेबाजों को भी बल्लेबाजों के लिए भी यही
तो देखिए क्रिकेट का सुपर का खेल है, इसमें जब तक लास्ट बॉल नहीं खेली जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है भाई, ये आईपीएल का भी आपको बाजी कर रही है। इसी बीच ये काफी ऊंची गेंद अंपायर का इशारा देख रहा है, अंपायर का याद रख लीजिए। तब तक दुर्गा में सभी बैठे हमारे दर्शक लोगों को बता दूं टीम में 14 रन की आवश्यकता है राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए। कप्तान पीछे गेंद मिस फील्ड होती तब तक दूसरे रन के लिए प्रयास, लेकिन मना किया गेंदबाज बल्लेबाज ने। टीम गेंद में 14 रन की आवश्यकता है, जीरो खेल रहे हैं, जीरो पे पराग खेल रहे हैं 15 रन पे। देखते हैं राजस्थान काफी रोमांचक मुकाबला इस आईपीएल में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ इस फील्ड पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लंबे रन के साथ अंपायर को ब्लास्ट किया, लखनऊ और राजस्थान के बीच में मुकाबला। फ्री का लाभ पाते हैं कि नहीं, ये फील्ड वापस पीछे है और ये बैक इसका बल्लेबाज को इसका लाभ लेने का कहने का बात तो 29 और जीत गई ना ये भाई। देखिए ये कुत्ते भी मत का लुक पा रहा है तो उनको थोड़ा सा बात कर रहा है। विजय भैया देखिए बच्ची की पाजी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं और अंपायर को इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी। चार तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर में 56 3 विकेट के नुकसान पे। ठीक है भाई, ये आमेश जो गेंदबाज है उनका हैट्रिक का चांस है और यहाँ पे गेंदबाज लंबे रन के साथ अंपायर को पास किया और काफी अच्छी गेंद चैन बहुत ही तगड़ा है। ये अपना बल्लेबाजी कहीं जाने पर चांस के द्वारा ऐसे ही आपको छक्के और चौकों की बौछार करनी पड़ेगी तभी जाकर के आप इस मैच को जीत पाएंगे। सलीमपुर को सलीमपुर के बल्लेबाजों को काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और ये देखिए राजस्थान रॉयल का स्कोर 143 रन। एक गेंद के बाद रन हो सकता है सिलेंडर रन के साथ राइट का बाउंड करते हुए भी रिफाइन के खेला है उसके सीधे और यहाँ पे बैठे पंडित गेंद को कलेक्ट करने के तब तक एक रन चुराने का आया दोनों बल्लेबाज एक रन के इजाफा के साथ टोटल स्कोर 157 रन। राजस्थान की हार हुई यहाँ पे, लखनऊ ने मैच को जीत लिया है और यहाँ पे काफी और समयपुर के बीच में देखते हैं कौन जीतता है। ये पीछे
एक दूसरे में तालाबाजी कर रहे हैं, गेंद छूट गई, कोई फायदा नहीं मिला। और आपको बता दूं ताजा अपडेट, लखनऊ ने इस मैच को 10 रन से जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स। श्री जटहुआ वीर बाबा, श्री जटहुआ वीर बाबा रात्रि कालीन क्रिकेट प्रतियोगिता लाखों कला के मैदान में 63 रन स्कोर है, उपाय महादेव 63 है, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर बचे हैं, 24 गेंद बचा है और टोटल रन की आवश्यकता है 64। क्या यार, अरे अरे छक्का के बाद खुदे कॉल आया 63 रन का। एक रन मार दो रन मार चौंसठ। ये विशाल बोली भाई, ये विशाल शेख मेहताब जी कहां वाला मैच है। अरे ये शेख मेहता जी चलेगा भाई, चलेगा चलेगा, अभी तो डाला गया है मैच का, स्टार्टिंग में देखा जाएगा चलाया जाएगा। बाईस बॉल 77 रन चाहिए जीत के लिए, 22 गेंदों में 77 रन, यानी क्या शॉट लगाया यार। कभी कभी ऐसे शॉट आ रहा है कि इक्कीस बॉल 71 रन, यानी कि 12 छक्के जीत के चले, 12 छक्के जीत के लिए चाहिए अगर इस मैच को जीतना है, तो छक्का लगाएंगे तो ही मैच जीत पाएंगे, ना तो मुश्किल है यार। इसी से नित्य को मैच हार के देना, दर्शक आपकी बल्लेबाजी का तो ही प्रचार कर रहा है, मानिए यहाँ कोई कीमत नहीं है, जो जैसा खेल दिखाएगी दर्शक उसी का सपोर्ट करते हैं। 21 गेंद में 71 रन, घाटी वाला मैच चलेगा लाइव, शॉर्ट बाउंड्री का मैच, अभी तो आज पोस्टर आया है। चल भाई शाबाश, गेंद बोल अभी साहब, तीन छक्का मारते हैं तो मेरे द्वारा 101 रुपया। ये बॉल नोबा पे कैसा आता हुआ, लेकिन भैया एक रन से तो कोई होने वाला नहीं है, एक रन से तो कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत तेज गेंद थी ये भाई, देखिए बाहर महोदय, अरे भाई महाराज आप लोग जीत रहे हैं, हम पास से डिस्कस कर रहे हैं, आप काफी अच्छे गेंदबाज हैं भाई, गेंदबाज महोदय आप डिस्कस ना करिए, बिना देखे कोई थोड़ी बता देगा, फ्री हिट है, हो सकता है आपका पैर पड़ गया हो लड़ाई के बाहर, आप काफी अच्छे सूट जूट वाले गेंदबाज हैं, तो कृपया डिस्कस ना करें। आइसक्रीम वाले इधर देखिए, अगर आपका आइसक्रीम तो मार देगा तो आपकी आइसक्रीम की पूरा ठेला होने के नाम हो जाएगा। शेखर का ओवर, 2 मैडम 2 विकेट यार, वो 1 विकेट बहुत मायने रखता है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को दबाव बना के आउट कराना बहुत बड़ा। जय श्री राम, करिए 10 छक्के, यानी कि इसके बाद जो गेंदें बची हैं 19 गेंदों में 10 छक्के, बहुत मुश्किल नहीं है, फंस सकता है मैच, अभी भी 50-50 आ सकता है,
19 गेंदों में 10 छक्के चाहिए। नहीं नहीं राइट का बॉल है भाई, एक और नो बॉल। तो मैच पूरी तरह से बन रहा है, लग रहा है कि वापसी करेंगे। 63 चाहिए जीत के लिए, 19 गेंदों में 63 रन। फर्स्ट ट्रेनिंग का स्कोर बोर्ड दिखा रहा है भाई, अभी नीचे देखिएगा दिखाई देगा आपको, जहां ऐप के बारे में लिखा है वहां दिखाई देगा। पैसा भी नहीं जाना चाह रहा है आपको, गलती कर रहे हैं भाई, सिंगल लेना चाहिए। ये पूरा जान बिछा कर कर दिया है कप्तान ने, पता नहीं कल पिछली रात को क्या सूझबूझ सिखाया है कप्तान ने अपने गेंदबाजों को। 18 देख लीजिए अपना कितना मारेंगे, हैट्रिक मारेंगे, चैट्रिक मारेंगे आपके ऊपर। ये मैच हो रहा है देवरिया जिले में, तो मैच फसल है नो गल पे कबो प्रैक्टिस कराओ सर, आप इस कमेटी कमेटी को अपना समय दिया उसके लिए हम अपने कमेटी की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। फिलहाल 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बढ़ाने इस मैच को जीतकर चमचमाते हुए ट्रॉफी पर अपने कब्जा जमाने गए हैं। पिछले 18 गेंदों में 63 रन बनाने हैं इस मैच को जीतकर इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर अपने कब्जा जमाने के लिए। फिर आ गया है गेंदबाजी करने के लिए, पहले ओवर में काफी धीरे साबित हुए थे लेकिन फिर से भरोसा जमाया है कप्तान को, बोल चुके हैं अगले को लगाया है गेंदबाजी कर सकते तुम्हार के लिए। एक सेकंड है, चार एक मिनट के बाद गेंद चली गई, पांच गेंद के बाद चार रनों के लिए चौके के साथ। इस समय जो होता है तो बल्लेबाजी कर रहा हो, इतना रन चेस करना हो तो बल्लेबाजी को खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्लेबाजों को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 75 गेंदों में 59 रन और बनाने हैं, क्या इस 17 गेंदों में 59 रन बना पाएगी सुंदर का शलेपुर की टीम। फिलहाल आ जाए अब जीत के लिए चाहिए 9 छक्के। प्रगति पर गेंदबाज अजय, उनका 16 गेंदों में 9 छक्के, 53 रन चाहिए इस मैच को जीत कर अगले दौर में प्रवेश करने के लिए या फाइनल क्वालिफाई करने के लिए। माफ कीजिएगा इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने के लिए। बोलू यादव जी इस मैच के मुख्य अतिथि के तौर पर आए आइडियल एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर अरुण कुमार मौर्य जी हमारे बीच मौजूद हैं और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल आज एक बार फिर से इसका पक्की हुई गई छक्का पूरी तरह से बल्लेबाज को चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसी कोई गलती करेंगे तो उसका कामयाज आपको फिर से भुगतना पड़ेगा नो बॉल के रूप में। फिलहाल अजय फिर से तैयार हो रहे हैं, सामने बल्लेबाज बिट्टू लोहार उनकी गेंदों का सामना करेंगे, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद की जाएगी, वाइड का इशारा आता है, आप इस तरफ से काफी ज्यादा पार कर चुके हैं। 15 गेंदों में 9 छक्के मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी, यानी कि बल्ले से गेंदों को लड़ना एकदम अनिवार्य है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि बल्लेबाज होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ से क्या मैच का रुख बदलेगा, क्या मैच जीतेगी शिव ब्रेकर सलेमपुर। गेंद तो खराब गेंद थी, पूरी तरह से लाभ उठाया, शानदार छक्का लगाया है सामने, तीर की तरह सीधा छक्का। अभी तक आ चुके हैं 17 रन, 8 छक्के चाहिए अब यहाँ से 14 गेंदों में 8 छक्के। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 46 रन बनाने हैं बचे कुछ गेंदों में, इसके बाद तो बनाने से फिलहाल अजय चले काफी महंगे साबित होते हुए अजय। ये तो बहुत 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 बहुत
और दूसरा आप बाउंस करेंगे तो इसका ध्यान दिया जाए आपको भुगतना पड़ेगा। इस तरह की फेयर अंपायरिंग होती है तो बल्लेबाजी करने का मजा आता है। अब 45 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अंपायर सस्पेंशन वाले हैं तो दिक्कत होती है। तो क्रिकेट है, महान अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं बिट्टू लोहार। किसी साल ने कहा है कि जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेल खेलने का मजा तब आता है जब इसमें हार का इश्क हो। फिलहाल करते हैं, जानती है कि हमारे हारने का रिस्क है, फिर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बिट्टू लोहार एक बेहतरीन क्रिकेटर इस क्षेत्र का। समय पर ध्यान दें, 12 बजने वाला है और ये फाइनल मुकाबला है। फाइनल मुकाबले के बाद 1 घंटे का प्रेजेंटेशन का कार्य होता है, इतना भी जल्दी जल्दी किया जाए। उस हिसाब से आप लोग समय का ध्यान दें, हम लोग भी खाना नहीं खा रहे, 5 बजे से यहाँ मौजूद है। अभी तक ये जो शरीर को चलाती है, ये जो भोजन शरीर को चलाती है, अभी तक गले से नीचे गया नहीं है, खोज रहा है क्योंकि 12 बजने वाला है। कमेटी और दोनों ही विजेता और उपविजेता के बीच यहाँ पे भोजन करेंगे। फिलहाल श्री हिस्सा जा रहा है अंपायर दिलीप चौहानी का। फिलहाल आ जाए फ्री हिट वाली गेम लगा, इसको कहना है इधर खिलाड़ी संभवतः प्रबल मौजूद रोनाल्ड का कपड़ा, लेकिन थ्रो नहीं किया, इसे एकदम से ही संदेश करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति, एक गेंद संभवतः अभी बचा है। काफी महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में संभवतः 28 रन खर्च किए थे तोते के जब पहला ओवर करने आए थे, और इस ओवर में भी 44 रन जीत की नीचे इतना ही रन खर्च करते हुए बिट्टू लोहार ने स्कोर महादेव बनाएंगे। ये कितना रन खर्च किया है आकर देना था ऊपर बल्लेबाज, ये रेस गया है बेचारे उधर प्रतीक मौजूद और खराब फील्डिंग, हर गेम नॉकआउट बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन के लिए प्रदीप यादव वहां उपलब्ध है। 4 के बाद स्कोर कहीं जा पाए, स्कोर 108 रन, 12 गेंदों में 40 रन बनाने हैं इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा बनाने के लिए। 20 रन प्रति ओवर, 21 रन प्रति ओवर बनाने थे लेकिन 1 रन की कमी हुई है, अब 20 रन प्रति ओवर बनाने हैं। और बिट्टू लोहार जैसा बल्लेबाज अगर ग्राउंड पर है, इस क्षेत्र का एक बेहतरीन क्रिकेटर, 11 छक्के दोनों ओवर में, 6 छक्के लगाने हैं, मैच के पास जाना है तो उसमें वाइड नो बॉल का चांस बनता ही है। देखिए क्या होगा मैच का, समय का ध्यान दें और मैच को ज्यादा देर तक विलंब न करें क्योंकि कई सारे अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं। आइडियल एकेडमी के डायरेक्टर महोदय हमारे बीच मौजूद हैं, कल विद्यालय भी खुल रहा है, उनके लिए भी आप लोग सोचें हमारे स्टाफ हमारे भारत पर आने थाने से। माननीय स्टाफ गार्ड हमारे बीच मौजूद है इस सीरीज का काफी हमारा रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्राउंड पर हमारा समय दिया, इसके लिए हम कमेटी की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय इस कमेटी के लिए निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल चांस है राइटी के लिए, इसमें चांस जाने के लिए टोटे का दूसरा बार लेकर सामने बल्लेबाज बिट्टू लोहार जो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं वो सामना करेगी। 12 गेंद 40 रन बनाने हैं, 12 गेंद में 40 का अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करेंगे। फिलहाल ये गेंद इसको देना है तो जा रही है, उधर प्रदीप यादव मौजूद है इस एक रन के साथ स्कोर चल रहा है। स्कोर 1-0, अब 11 गेंदों में 39 रन बनाने हैं। फिलहाल आगे इस मैच में क्या कुछ होगा इसका आप लोग जवाब पाएंगे। मतलब सूरज सिंह हमारे स्थान से हमारे स्टाफ हमारे सलेमपुर की टीम आदरणीय भैया अभिषेक मौर्य जी नहीं इसे बाहर हो जा कम से फेंक के बाबू। 11 गेंद 39 रन से कर रहा है इसका जीत के लिए मारी उठा करके ये तो खड़ गया कुछ नहीं कर पाए। उल्टा गेम पे बोल लोग हैं, मैच का रुख बदल चुका है। ये बोल रहे हैं भारत, ये कैसे काम चलेगा आप सलेम पुरानों का। चंदन 36 नंबर की जर्सी में, 36 नंबर की जर्सी में, अरे काफी चर्चा सुना गया है पूरे बोरिया जिला में, ये 36 ये 36 नंबर के जो खिलाड़ी हैं ये काफी स्टाइलिश अंदाज में खेलते हैं, तो यही स्टाइल दिखाने का आज जरूरत है भारत, आप इसको दिखा दीजिए तो ये जो दर्शक बैठे हैं गदगद हो जाएंगे।
ये जितना आपकी जर्सी है ना उतना ही मैं जरूरत है आप मारिए ये देखिए आइसक्रीम के बारे में आ रहा है आइसक्रीम के बारे में पूछ व्यक्ति का देंगे मारिए देखिए ये शरीफ बल्लेबाज देखा हे मारिए तो बाकी लगी ये तो देखिए ढेर हो गया कुछ नहीं कर पाए अभी भी निराशाजनक स्थिति है सलेमपुर की काफी निराशाजनक स्थिति और दर्शकों को तो किसी भी टीम से कोई लेना देना नहीं आप अगर छक्के और चौके की बरसात करते हैं तो उसके लिए जनता के लिए आप ही सब कुछ है जनता तो मैच देखने के लिए आती है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आप जितना ही कर सब उठाएंगे उतना ही टीम आपकी टीम को दर्शकों द्वारा प्यार मिलेगा तो था लंबे कदम के साथ अंतर बना के ये ऐसे मारिए ये दर्शक देखिए जोश भर रहा है हम तमाम टीम में जोश भर रहा है अपना ही मारिए ₹100 के अलावा भी नाम है 1000 का मारिए बाजों को मारिए अरे दर्शकों से चाहेंगे ताली बजाइए इनका और सबक पूरा हो गया ताली बजाइए महाराज देखिए अकेले मार रहा है अपने बाद अपनी टीम के लिए सात गेंद 27 अभी भी क्रीज पर मौजूद है अगर वो टीम विजयी हो जाती है तो इस पूरे मैच ऑफ सीरीज के हकदार यहाँ पर बात होगा 55 रन बना करके देखिए इसी को तो हौसला कहते हैं ये देखिए स्टेयर रखा नहीं रहा है ये मार रहा है ये भगत के मारो यार लेकिन ये काफी सुपुर्ती के बाद ही ओवर समाप्ति हो गई साथ एक ओवर बचा है ये कृपया अपने टीम को ध्यान करके बैठिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इस मैच में बिट्टू लोहार और दीपक देखिए दर्शक आप लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिंकू सिंह जैसी बल्लेबाज करिए दर्शक ताली मारिए और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाजी करके दिखाए सभी बल्लेबाज छागे 27 रन बल्लेबाज अरे यो इनकी में चांस ज्यादा इनके में चांस ज्यादा बन रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा गेंद में बहुत देख रहे हैं दर्शक देखना चाहते हैं कि आप में कितना जोर है मारिए राउंड बारी का भी है चार छक्के लगाइए और मैच को बनाइए अपने पक्ष में हार जीत अपने जगह पे है चार छक्के लगाइए और रोमांच बनाइए राकेश यादव की तरफ से पैसे जमा कर भैया अच्छा हां फिर चलिए पांच छक्के पे 5000 दर्शक ताली मारिए और ये 5000 रुपए ले जाइए राकेश यादव की तरफ से पांच छक्के पे 5000 है और इससे मैच भी जीत जाएंगे 5000 रुपए लगते हैं ये पैसा आप ही दे रहे हैं और मारिए महाराज और कितना पैसा चाहिए 1 लाख मारिए काफी
बहुत अच्छा खेले है भाई बिट्टू यार, बिट्टू लोहार बहुत अच्छा खेले है। नाम चेंज हो गया इनका, मगर बिट्टू लोहार के पवन के स्थान पर बिट्टू लोहार ही खेल रहा है। तीन गेंद 26 रन। चलिए साथ हमारे कमेटी में पीछे साथी बता रहे हैं ये जो फील्डिंग कर रहे हैं प्रदीप के साथ में दोस्त बना कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं भाई प्रदीप जी। हाँ चौका बजा ले रहा मरता है राउंड ऑफ प्ले मारिए 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 ये देखिए ये क्या ये तो उल्टा ही हो गया सर भी ये फांसी तो अच्छा करा है कमा कर दिया सलेमपुर का अच्छा गायब मारिए आपके पास कितना गेंद बचा है हमारा बताइए 200 में तो कमाल चाहिए आज ये भैया मैच फंसा हुआ जा के कौन दिन पार कर रहा है और कोई भी कर सकता है कि नहीं कोई भी आप लोग दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रणाम का अनुरोध है कि मैच समाप्ति के बाद सभी लोग आएंगे कितना समय दे दिया है पांच का इनाम था आपकी तरफ से एक यार का इनाम था बहुत मुश्किल मैच था यहाँ से जिता पाना ऊपर चालू करिए नहीं दे पाना दो बड़े नंबर थ्री पे आप लोग मायने रखेगा जब मैंने रिसीव किया जाएगा तो करेगा मैच का तो दो ओवर में पहले फेंकेंगे शेखर यादव वही पूरे मैच का अनुरोध है कि जब तक क्रांति का पुत्र ना हो जाए तब तक आप लोग आधा घंटा और चलते हैं ये देखिए लंबे रन के साथ ये गेंद नहीं पड़ा अब मान लीजिए चैट्रिक कुछ भी मारे कुछ भी सपोर्ट में ये चक्कर हुआ फिर चक्कर हुआ फिर पावा रात्रि काले क्रिकेट प्रतियोगिता में लगभग 99% ये पासिंग प्रतियोगिता को जीत लिया है बाकी अब 74 रह गई है हवा में रहेगी ये को हासिल करने में काफी सफल रही